4 years back, there is a chapter where it talks about life and breath and how they're so strongly bound that nobody has got the right to snatch any one of these. And if at all anybody does that, then it becomes a grave injustice to the nature. Based on that idea, I developed a plot, and which is actually a reflection of what in the present scenario, how life is being flouted with all kind of irresponsible nature. So I thought that this will be a situation where the film will be able to present the view in such a way that people should understand the value of life and how it is connected with the breath. And especially the basic undercurrent was that the story never tells a cinema. It is the cinema which actually presents an experience through its narrative style in a more cinematic form. And this is what has been tried. हमें डेढ़ साल लगा ये फिल्म को बनाते बनाते, इसलिए आज हम खुश हैं कि ये फिल्म एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जा रहा है और इंटरनेशनली सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन में इसको हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो बहुत खुश हैं सर। अंतर हमें, हम जितने स्ट्रगल से फिल्म बनाते थे और जो हमें लगता था कि इतना मेहनत का बाद जरूर ऐसा एक फिल्म बनेगा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाएगा। इस टाइटल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, मतलब कैसे आपके जहन में आया इतना प्यारा टाइटल? ये बात करते करते सार का दिमाग में आया था, तो सार ने ही बोला था कि ये इसको हम अंतर्ध्वनि ही रखेंगे। स्टार कास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा, कांस में जा रही है, सो वेरी वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ द होल टीम। और फिल्म से जुड़ के कैसा लग रहा है? सी, इट्स ए के बी प्रोजेक्ट, सो आई मीन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई ऐसा होगा जो जुड़ के एकदम ज़्यादा खुश ना हो, हैप्पी ना हो। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोजेक्ट। एंड कहानी भी ऐसी है, लाइक इट्स अ स्टोरी अबाउट जो साइकोलॉजिकल जर्नी होती है कैरेक्टर की, वो है रादर देन जो आपके साथ सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट, और डिफरेंट बोलने के लिए नहीं है, इट्स अ जर्नी विद इन, जो किताबों में पढ़ने में अच्छी लगती है पर उसको जब सिनेमा में दिखाया जाता है एज अ फिल्म, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थिंग टू डू एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाट वी हैव अटेम्प्टेड फॉर दिस फिल्म, सो वेरी वेरी हैप्पी। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना डिफरेंट कैरेक्टर करेंगे उतनी अच्छी उनकी एक्टिंग क्वालिटी पता चलेगी। और जैसे कि हमने वीर सर के साथ काम किया है, तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही चैलेंजिंग था, जिसमें मैं दो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो एक कैरेक्टर जो है बहुत ही अम्बल है, बहुत ही स्वीट कैरेक्टर है, और दूसरी बहुत ही लाइवली कैरेक्टर है। तो दोनों कैरेक्टर को प्ले करने में मुझे बहुत ही मज़ा आया, और बाकी जैसे डायरेक्टर का गाइडेंस था और उन्होंने जैसे हमें स्टोरी नैरेट किया था, तो उसे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और लेकिन कभी कभी ना हमें जंगल में डर भी लगता था, क्योंकि वहाँ ये बाघ चीते वगैरह बहुत थे आसपास, तो उसके लिए वॉचर वगैरह छोड़े हुए थे। और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये फिल्म मिलना सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, एक तो फर्स्ट फिल्म और सेकंड लीड, और ऊपर से एक कबीर सर के साथ, और ऊपर से शेर और चीते। हाँ, बहुत बड़ी कि पिक्चर का जो कैलिबर है, क्योंकि जिस तरह की टीम है, जिस तरह की स्क्रिप्ट है, तो ये सबके लिए फिल्म नहीं है, लेकिन जो भी फिल्म को अलग किस्म से देखना चाहते हैं, अलग स्टोरी देखना चाहते हैं, उनके लिए पिक्चर है। लेकिन मुझे ये पता था कि ये पिक्चर बहुत बड़े मकाम तक पहुँचेगी, और ये तो अभी शुरुआत है। सो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिल्म, कि ये दिस फिल्म इज़ गोना रीच सर्टेन हाइट। फिल्म की कहानी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म की कहानी सी, एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट है शांतनु, और उसकी लाइफ की जो जर्नी होती है, बट जर्नी विद इन हिज माइंड, एज आई सेड बिफोर एज वेल, इट्स अ जर्नी विद इन, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, उसके बाहर सर्कमस्टेंसेस जो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, उसके दिमाग में व्हाट इज हैपनिंग, हाउ ही इज रिस्पॉन्डिंग टू इट, एंड ही मेक्स सर्टन डिसीजन इन हिज लाइफ के दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दैट्स गोइंग ऑन, देन समथिंग हैपन्स विद इन हिज हेड, and then he decides to do something else. So basically that's as much as I can tell you right now, but what I can tell you that interests you ke iske liye hai, but intellectual mass ke liye hai, jo normally audience jo chahte hain ki hame naach gana 2 hours ka pura entertainment package mile, to wo nahi hai is film mein. Ye bahut hi intellectual film hai, jaise is film ka content hi bahut hi strong hai.
तो जो कंटेंट देखना चाहते हैं और जो समझना चाहते हैं तो उनको इस फिल्म में मिलेगी। फिल्म का मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंसल्टेंट हूँ मैं, और मेरी जिम्मेदारी थी कि इस फिल्म को कांस में स्क्रीनिंग हो। इस फिल्म की फिल्म मैंने देखी पहले, और जब मैंने फिल्म देखी तभी तय कर लिया था कि ये फिल्म एक्चुअली फेस्टिवल में बहुत सराही जाएगी, लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसी कारण हमने उस सारी प्रोसेस को फॉलो किया जिसके कारण कांस में स्क्रीनिंग होती है, और 21 मई को 6 बजे Grade 3 नाम का जो ऑडिटोरियम है उसमें इसकी स्क्रीनिंग होगी, और उससे हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। हमको मालूम है कि ये फिल्म कांस में लोगों को बहुत पसंद आएगी, और उस फिल्म की कांस की स्क्रीनिंग के लिए आज का ये अनाउंसमेंट का एक सेलिब्रेशन मुझे करना था, जहां हमको प्रेस को हम बताना चाहते थे कि ये हमारी एंट्री है उस बड़े प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में। और जब 21 को वहाँ पर ये फिल्म दिखाई जाएगी, जहाँ पर इंडियन पेविलियन के अपने लोग हैं, जहाँ पर प्रेस रहेगी, इंटरनेशनल प्रेस रहेगी, तो उसके बाद जो रिएक्शन रहेगा वो मुझे लगता है बड़ा पॉजिटिव रहेगा। जी, मुझे बड़ा विश्वास था, क्योंकि मैं जिम्मेदार था इसके लिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी कि इसको मैं अलग अलग फेस्टिवल्स में इसको एक्सप्लॉइट करूं। लेकिन मेरे लिए सबसे पहला फेस्टिवल जो था वो कांस था, जो दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस फेस्टिवल है। उसके बाद हम इसको लोकार्नो में ले जाएंगे, उसके अलावा फिर माम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, फिर इफ़ी है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। पर इन सारे फेस्टिवल्स में हमको इसको इसलिए ले जाना है क्योंकि इस फिल्म का वो वर्थ है और लोगों को यह बहुत पसंद आएगी।